एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब ईएनटी और स्किन स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवा शुरू। थाना इंदौरा के अधीन एक गांव में एक कलयुगी चाचा द्वारा अपनी सगी भतीजी को हवस का शिकार बनाने का मामला प्रकाश में आया है। थाना इंदौरा के प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि नाबालिग ने शिकायत दर्ज करवाई कि मेरी माता और दादी की मौत हो चुकी है और मेरा एक चाचा है जिसकी उम्र 38 वर्ष के करीब है और उसकी शादी नहीं हुई है। मेरा चाचा लगातार 2 वर्षों से मुझे डरा धमका कर दुराचार करता आ रहा था और अगर मैं कुछ बोलती तो मुझे मारने की धमकियाँ देता था। फिलहाल आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थी हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि डीडीएम कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थी हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।